हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपका वैशाली ऑनलाइन प्रदेश में, जिसमें हम आज बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। हम किसी भी मोबाइल ब्राउजर या किसी भी लैपटॉप के माध्यम से हम घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें हम सर्च कर देंगे SSPMISC बिहार, देख लीजिए, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले आ गया SSPMIS बिहार। चलिए यहाँ पर हम इसको क्लिक कर दिया हमने। चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल MVPY देख रहे हैं सामने वहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे है, इस पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ। चलिए देख लीजिए, क्लिक हो गया। यहाँ पर हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर देंगे हम। चलिए ये क्लिक हो गया, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर देंगे, उसका ब्लॉक जो भी होंगे आप अपने वही क्लिक करें। उसके बाद इसमें ईपिक नंबर टाइप कर दें, जो आपका वोटर आई कार्ड के में होगा वही टाइप करें, देख सकते हैं हमने सावधानी पूर्वक टाइप करें, इसमें कोई सुधार की नहीं रहती है, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। चलिए उसके बाद इसमें आधार नंबर दे देंगे हम लोग, जो आधार नंबर होगा चलिए ये देखिए आधार नंबर हमने टाइप कर दिया। उसके बाद चलिए डेट ऑफ बर्थ होगा, सो देख के आधार कार्ड से, ये हमेशा आधार कार्ड से ही वेरीफाई करता है, ठीक है देख लीजिए। उसके बाद हम नीचे वैलिड आधार से सत्यापित करें, आधार से सत्यापित कर देंगे, ये खुद थोड़ा देर डिस्क लोडिंग लेगा। उसके बाद ये देख लीजिए आधार सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया गया है, यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, चलिए इसमें कहा जा रहा है जो ये पेज खुल गया है, उसके बाद जो इसमें हम सारा डाटा फिलअप करके और सबमिट करना है इसे, तो इसमें पूछा जा रहा है पिता या पति का नाम, तो पिता का नाम है यहाँ पे, तो पिता का नाम देंगे हम लोग, देख लीजिए जो नाम होगा आधार कार्ड से अच्छे तरह से टाइप कर देंगे हम लोग। मदर्स नाम छोड़ देंगे। चलिए उसके बाद मेल फीमेल जो भी हैं देख लीजिए, मेल फीमेल होंगे मेल कर देंगे, फीमेल होगा फीमेल कर देंगे, कैटेगरी बाई कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिएगा आप लोग अच्छे से देख के। चलिए यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, मोबाइल नंबर होगा सो, उसके बाद जो एरिया होगा अच्छे से हम बता रहे हैं, वीडियो को लंबा होगा थोड़ा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, इसी हिसाब से बताया जा रहा है। चलिए इसमें हम पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे, जो भी आपका घर का एड्रेस होगा। चलिए हमें एड्रेस टाइप कर दिया, ये देखिए पिन कोड होगा, पिन कोड हम टाइप कर देंगे। चलिए ये देखिए, उसके बाद जो आपका बैंक होगा वो बैंक हम टाइप कर देंगे, बैंक खोज के इसमें हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देख लीजिए नीचे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे ब्रांच, कौन सा ब्रांच है आपका देख लीजिए, ब्रांच जो होगा अच्छे से सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये मिल जाएगा हमको, ब्रांच हम खोज लेंगे अच्छी तरह से दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन ये देखिए बैंक हमने गलत सेलेक्ट किया था इसलिए नहीं मिला था, ये देखिए मिल जाएगा तुरंत। चलिए ब्रांच ये खोज लेंगे, कौवा ब्रांच जो भी है अपना, ठीक है, और ये अकाउंट नंबर हम इसमें टाइप कर देंगे, देख लीजिए। चलिए जो जो भी नाम होगा वो हम नाम इसमें बैंक खाते के हिसाब से चढ़ा देंगे, मात्र हम इसको 10 मिनट में हम ऑनलाइन कर सकते हैं इसके हम माध्यम से। जो पहले से अगर आपने देख लीजिए जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर क्या मांगा जा रहा था, आधार दस्तावेज यानी आधार कार्ड यहाँ पर देना था, पहले से ही मैंने स्कैन करके और मिनिमम PDF फाइल में 200 KB के अंदर देना है, देखिए आधार सहमति दस्तावेज देख लीजिए, सहमति दस्तावेज देख लीजिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं सहमति दस्तावेज क्या है, सो फॉर्म सहमति पत्र 2 होता है, जो देख सकते हैं हम खोल रहे हैं इसको, देखिए सहमति पत्र 2 है ये, बैंक से वेरीफाई साइन मोहर करके ये लोड है, ये लोड स्कैन करके हम लोड कर दें, इसको हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद मतदाता यानी वोटर आई कार्ड हमने चढ़ा दिया, उसके बाद बैंक खाता यानी बैंक अकाउंट नंबर देख लीजिए, अकाउंट नंबर फ्रेश दिया है पूरा, जितना फ्रेश दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जो रिजेक्ट ना हो कभी। चलिए यहाँ पर हो गया, चलिए हम इसको सबमिट अप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। चलिए ये देख लीजिए आगे, चलिए हो गया, ये फॉर्म मेरा भरने जा रहा है, लास्ट हो जाएगा,
और वीडियो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बताने जा रहे हैं, ये देखिए प्लीज वेट कर रहा है थोड़ा, इसमें हम डाटा मिला लेंगे, कहीं भी इशू होगा तो इसको हम सुधार करके अभी और इसको हम दोबारा कर सकते हैं। देख लीजिए हम लोग मिला लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अकाउंट नंबर अच्छी तरह से मिला लीजिए, जो पैसा इसी पर आएगा, ये वरना ये गलत हो जाएगा आपका, तो फिर बहुत परेशानी होगी आप लोगों को। देख सकते हैं हम अकाउंट नंबर मिला लेते हैं दोबारा। चलिए देख लीजिए, चलिए उसके बाद नीचे यहाँ से हम व्यू करके भी देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट चढ़ाया है हमने, गलत अगर चढ़ गया होगा तो यहाँ से भी दिखा देगा आपको, देख सकते हैं एकदम पूरा फेस देंगे। चलिए ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं, लेकिन अब इसको हम सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे और ये देख लीजिए ये हमारा रिसीविंग जनरेट हो गया, ये आ गया सक्सेसफुली, शेड्यूल पंचायत वेरिफिकेशन के लिए चला गया, डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट, ये हम इसको प्रिंट रिसिप्ट निकाल के और ब्लॉक के माध्यम या किसी भी स्तर से ब्लॉक पे जाके जमा कर देंगे, ये मुश्किल से एक महीने के अंदर ये आपका पैसा आना चालू हो जाएगा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब करें और लाइक करें।